अरखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में इस घंटी के बजते ही तमाम सियासी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में है। अब वक्त आ गया है कि 5 वर्षों के बाद सभी नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, जनता को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे और अपने पक्ष में वोट मांगने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस जनता की बदौलत वो सत्ता पर आसीन होते हैं, क्या उनको बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जब रांची जिले की बात कर रहे हैं तो रांची जिले के हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे हैं जो कि रांची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है और ये विद्यानगर कहलाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावी तैयारियां होने लगी है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब फिर से नेता सामने आएंगे, क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास की दर किस पैमाने पर है, क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव का बिगुल बज गया है और नेता लोग आएंगे ही जी। 5 वर्ष पर सब कोई ऊपर हुए हैं कुकुरमुता के तरह। रह गई विकास के बात, तो सभी जानता है कि क्या विकास हुआ है, नहीं जगह ही सबके जहन में है। अब रह गया कि पब्लिक खोल के कहीं कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन सब पब्लिक को गलत प्रलोभन दिया जा रहा है। आज ये योजना वो योजना, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, फ्री के क्या मतलब है? आज शिक्षा स्वास्थ्य दो को फ्री कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य दो को फ्री कीजिए। आप बकरे के जो है सो आप माने 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, सभी लोग निकम्मा हो गया, कोई काम करना नहीं चाहता है, क्यों दे रहे हैं? आप रोजगार सृजित कीजिए, HEC है रांची में उसको खोलवाइए, सब कुछ कीजिए। जितना भी नेता है, कोई नेता खराब नहीं है, स्वार्थवादी है। अंकल, सबसे पहले हम बुनियादी सुविधाओं से ही शुरुआत करते हैं, तो बुनियादी सुविधाओं में 3 चीज तो अमूमन देखा जाता है, पानी, बिजली, सड़क। सबसे पहले हम पानी की बात करेंगे, पानी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? देखिए, पानी की स्थिति जो है सो आप तो खुद देखते हैं 3-4 महीना क्या होता है, यहाँ सप्लाई की कोई सुविधा नहीं है। हर स्टेट में पहले नाला बनता है तो रोड बनता है, यहाँ रोड बन जाता है तो नाला खोदाता है और खोद के फिर गढ़ा के छोड़ दिया था, रोज 5 को उसमें भी मरता है, ये परिस्थिति है। क्या होना चाहिए, जिम्मेवार कौन है इसमें? इसका जिम्मेवार क्या है? इसका जिम्मेवार नेता है और सबसे प्रथम हम जनता है, जो गलत आदमी को हम वोट दे रहे हैं, 500 रुपया लेकर वोट दे रहे हैं, प्रलोभन में पड़ के हम 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चाउर, ये सब फेरा में पड़े हुए हैं। बिजली की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? बिजली की स्थिति मोटा मोटी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पानी का होता है। लगभग 4 महीना पानी हम लोग को इस इधर से उधर से ढो के जुगाड़ करना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं पानी की व्यवस्था, कहाँ से होती है पानी की व्यवस्था? जहाँ जहाँ डीप बोरिंग है, चाहे तो जो बेचता है उसके पास से लेना पड़ता है। तो आपके क्षेत्र में क्या चापा नल या कुआं सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से कहीं से कोई सुविधा नहीं मिला? चापा नल और कुआं तो सूखिए जाता है, इसलिए सबसे पहले यहाँ डैम का कुछ उपाय करना पड़ेगा। सप्लाई वाटर जब तक नहीं होगा, हम लोगों का जीना यहाँ दुभर हो जाता है। 4 महीना काम करें क्या, पानी लाएं, है ना? तो मजदूर वर्ग जो है वो काम पे भी नहीं जा पाता है पानी के चक्कर में। मैंने पानी की समस्या है, पानी की समस्या बहुत भारी है गंगानगर विद्यानगर में। अच्छा, आपके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति क्या है, नालियां? जब बारिश होती है तो यहाँ पूरे जलमग्न हो जाता है, नाला गंदगी, अभी भी देखा जाए तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कहीं भी नाला का व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। नाला जब बारिश हो जाती है तो चारों तरफ पानी लग जाती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लोगों को। तो रांची नगर निगम तो बार बार बोल रही कि रांची को हम शहरीकरण कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं, फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं? जाकर आपके सामने है ना, आप हर मोहल्ला में थोड़ा घूमकर अपने निरीक्षण कर लिया जाए कि क्या वस्तु स्थिति है। अभी भी सभी गली का नाला वैसा ही है, गंदगी पड़ी हुई है, ना नाला है क्या? एक मेन नाला है, बाकी तो है। मेन नाला में जब बारिश होती है तो यहाँ पूरा इतना पानी जमा हो जाती है, यानी सीवरेज ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो कहीं सही नहीं, सही नहीं है। तो कूड़ा उठाव जो होता है नगर निगम की ओर से, जो गाड़ियां आती है कचरे उठाने के लिए, उठाती है नगर निगम की गाड़ी आती है, लेकिन कूड़ा उठाने से नहीं होगा। कूड़ा उठा रही है, नगर निगम की गाड़ी आती है, 2 दिन 3 दिन पर आती है,
लेकिन उठाती है, लेकिन रोड सिविल जाम है उसका क्या जिम्मेवार है? वो भी तो युवा भी हमारे बीच है, युवाओं से भी बात करेंगे। शिक्षा का स्तर क्या मानते हैं राजधानी में? शिक्षा का स्तर तो आप सब जान ही रहे हैं क्या हो गया। जो झारखंड का एक मेन एग्जाम होता है जीएसएससी, जो झारखंड को रिप्रेजेंट करता है एज अ सेंट्रल लेवल, एज अ स्टेट लेवल पे, उस एग्जाम को सरकार ने ट्राई किया, वो तो बस बाहर दौर से ट्राई किया कि चलो दो दिन तक इंटरनेट बंद कर देते हैं, तब बस वो हम लोग को दिखाने के लिए कि हाँ चलो हम लोग कुछ कर रहे हैं शिक्षा के लिए। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में ही उसका पेपर लीक हो गया। अब जब वो पूछा गया गवर्नमेंट से कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो सरकार मना कर रही है कि नहीं नहीं हुआ है। और जब अभी ये बताइए कि 5 वर्षों का कार्यकाल सरकार का पूरा हो गया है, अब जो है अब फिर से नेता आपके क्षेत्र में आएंगे, जो सुविधाएं, जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, क्या आप लोगों को बुनियादी सुविधाओं मतलब सुविधाएं मिल रही है यहाँ? सर सबसे पहली बात तो ये 5 साल का कार्यकाल उनका था नहीं, ये अभी 5 महीने से शुरू किए हैं वो, 4-4.5 साल से तो वो गायब थे, पता नहीं कहाँ की, अभी अचानक से 4-5 महीने से वो दिख रहे हैं। कांटा टोली का जो फ्लाईओवर का ब्रिज था उसका जो उद्घाटन हुआ है, 7-8 साल से काम चल रहा था, तो उसका काम को धीरे किया गया ताकि जब चुनाव खत्म स्टार्ट होने वाला हो तब उसका हम इनॉग्रेशन करें, तब जाके लोगों को मेरा काम दिखे। ये बस फर्जी काम हो रहा है। कौन है पार्षद आपके इस क्षेत्र के? सर वो क्या बोलते हैं ना, विनोद सिंह है। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो एटलीस्ट इतना तो करे आम आदमी के लिए, जिससे आम आदमी को अपने ही क्षेत्र में घुटन ना महसूस हो सरकारी सुविधाओं को अवेल करने में। अभी तक आप स्थानीय पार्षद और विधायकों से कभी आप लोग अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत नहीं कराते? उन लोग से बात होगी, बात होता है, हम लोग बात करते हैं, इसके संबंध में बात होती है, तो आश्वासन देते हैं कि हाँ हो जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सुचारू रूप से तो होती नहीं है। तब ऐसे में फिर इसका दुखड़ा किसे सुनाएंगे सर? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, यही होते रहता है, होते रहेगा, यही हुआ है, यही होते रहेगा। कोई भी अच्छा, जैसे बाबूलाल मरांडी जी आए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लोग उनको नहीं छोड़ा। अभी आपको फर्दर, अभी यहाँ का राज्यसभा सदस्य है दीपक प्रकाश जी, तो उनका काम कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं, जितना भी है उनका काम दिख रहा है, लुक रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह के सब लोग थोड़ा थोड़ा करता तो आज लोहा का रोड रहता, लेकिन 5 साल में इनका संपत्ति अरबों खरब हो जा रहा है, और जो नीचे पायदान पर है उससे नीचे चले जा रहा है, और अरबपति खरबपति बनते जा रहा है, गरीब आदमी खैले बिना मरने पर एवरतार हो गया, फ्री दे करके टैक्स लगा जा रहा है, गैस के दाम बढ़ गया, स्कूल का फीस देखिए, पेट काट के लोग स्कूल में फीस दे रहा है, रोजमर्रा के सामान जो है जो किन रहा है वो सब महंगाई पर महंगाई पड़ते हैं, आप क्यों फ्री बांट रहे हैं? आप रोजगार सृजित कीजिए, रोजगार दीजिए, क्यों हमको भिखमंगा बना रहे हैं? जब विदेश के लोग आता है तो कटोरा लेकर भगाते हैं, जो नहीं आया आप खुद कटोरा थमा रहे हैं, क्यों कटोरा दे रहे हैं? आप रोजगार सृजित कीजिए, हम लोग को रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। 5 किलो गेहूँ, आप 5 किलो से क्या होगा? 5 किलो जिसके 20 परिवार है उसको देखा जा रहा है, जो 10 किलो 20 किलो 50 किलो चावल मिल रहा है हर महीना में, दो रुपये किलो लेता है और दुकान में ले जाकर 12 रुपये बेचता है, वही दुकानदार जो फिर उसी चावल को 26 रुपया 55 रुपया 40 रुपया उसी चावल को 2 रुपया में खरीदता है, 12 रुपया वहाँ बेचता है, और वो दुकानदार 45 रुपया किलो बेचता है गेहूँ भी बेचता है। सिस्टम में भी भ्रष्टाचार है, सिस्टम में भ्रष्टाचार है, आप क्यों दे रहे हैं? इसको बंद करना चाहिए। आज हम कह रहे हैं एक विधायक एक बार जीतते हैं वो पेंशन, मंत्री बने वो पेंशन, सांसद बने वो पेंशन, फिर बने तो जय बेर बने तो भी पेंशन। आपका ना बीपीएफ करता है ना पीएफ करता है, आपको पेंशन क्यों? आप तो जनता के सेवा के लिए आए हैं, हम आपका सेवा कर रहे हैं, आप पेंशन क्यों लेते हैं? आपका ट्रेन फ्री, प्लेन फ्री क्यों? ये कहाँ से आएगा? आप क्यों नहीं छोड़ते हैं अपना पेंशन? जो नहीं गरीबों में बांट दिया जाए, गरीब में रहेगा, जय बीर जीते हैं तो हम पेंशन, आपका आजीवन जो है सो ट्रेन फ्री, प्लेन फ्री क्यों? क्यों आपका जीपीएफ करता है पीएफ का? 48 साल 47 साल जो नौकरी किया, 36 साल नौकरी किया, उसका पेंशन आप बंद कर दिए, पीएफ से दे रहे हैं 2500-3000 पेंशन मिल रहा है, जो माने 100 रुपया भी डेली नहीं पड़ता है। आप अपने पेंशन पर पेंशन पेंशन तो आप आए हैं जनता की सेवा करने के लूटने के लिए, ये बंद होना चाहिए, क्यों नहीं बंद हो रहा है? अब क्या लगता है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए जो भी नेता चुनकर आए उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं जो अब तक नहीं हो सका,
वो पूरा किया जाना चाहिए। कोई वही वैसा उम्मीद तो नहीं है, जो भी है सब कोई भी सरकार की हो सबका वो वही अपना ही कार्य करेंगे, आम जनता का कम अपना ज्यादा करेंगे। तो चलिए पीछे महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, आधी आबादी है। चाची ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा बात की जाती है, महिलाओं को जो सम्मान की बात की जाती है, आपके क्षेत्र में महिलाओं का कितना विकास हो सका है, महिला कितना आगे बढ़ रही है, क्या करती हैं आप? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आपके क्षेत्र में मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, न चौक पर राशन कार्ड है, न कुछ है, कुछ नहीं देता, न वृद्धा पेंशन, न मैया जाना, कुछ नहीं मिल रहा हमको, कुछ नहीं। न जब पानी भी न तरसते हैं, चौक पर पानी रहे, शौचालय रहे, बालू। पार्षद विधायक लोग को नहीं बोलते हैं आप लोग? बोले तब गए तो क्या बोले, गए तब तो बोले, ने राशन कार्ड दिया बना के, ने वृद्धा पेंशन बना, ने मैया जाना दे रहा है, कुछ तो नहीं दे रहा है, गल्ला पाती नहीं दे रहा है सरकार, तो क्यों अपना जन बालू पर वही मथी कह लिया जाके महाराजगी, तो क्यों कैसे कमाए कैसे खाए, कुछ धंधा रोजगार दे रहा। तो दोनों तो सरकार तो बोल रहा है, एगो बोलता है मैया योजना दे रहे हैं, एगो बोलता है गोगो योजना दे रहे हैं। हाँ कुछ तो नहीं मिला है, मिले तब तो, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा स्कूल उस्कूल का क्या स्थिति है यार, स्कूल उस्कूल बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई का बच्चा लोग का कहाँ है? बढ़िया स्कूल नहीं, बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई वाला कहाँ बढ़िया स्कूल है, एको बढ़िया स्कूल। आपका बच्चा लोग क्या करता है, पढ़ाई कहाँ करता है? पढ़ाई मेरा बच्चा करता था DIB में, DIB सब कटा दिए, कट गया तो मिस्त्री के प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। हाँ सरकारी में कहीं नहीं भेजते, सरकारी में वही मिला तो कहाँ भेजे, पढ़ाई लिखाई पहले देते थे सरकारी में, अब सरकारी में नहीं जा रहा, अब प्राप्ति से कट गया। सरकारी ठीक नहीं है, सरकारी में दिए थे, सरकारी से पढ़ के निकल गया मेरा बच्चा, आप नहीं दे रहे प्राप्ति में, अब कहा खाने पीने तो मर रहे, तो कहाँ देंगे हम लोग सर, प्राप्ति में कहाँ तो पढ़ाएंगे, रहेगा तब ना पढ़ाएंगे, भाइयों ने कुछ धंधा रोजगार नहीं दे रहा, पति राज मिस्त्री के काम करते हैं, तो काम करते हैं तो बालू पर महाराजगी है, सबसे बाल बच्चा वैसी है जगह, हाँ कुछ तो दे रहा तो क्या करें। तो रांची विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र या कह सकते हैं कि विद्यानगर के लोगों का ये मानना है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात सरकार कर रही थी वो बुनियादी सुविधाओं तक हमें नसीब नहीं हुआ। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब जब फिर से इनके द्वार नेता पहुंचेंगे तो किस नेता को ये चुनेंगे और क्या कुछ इनकी जो कमियां रही वो पूरी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल हम विद्यानगर पहुंचे हैं, आगे भी हम युवाओं से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अब लोग क्या चाहते हैं, बुनियादी सुविधाओं के मामले में इनके साथ कितना छल हुआ और कितना इन्हें सफलता मिली है, क्या कुछ इन्हें नसीब हुआ है, इन तमाम मुद्दों से हम आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का TV45 में स्वागत है। हम बात कर रहे थे झारखंड में विधानसभा चुनाव की। तो 81 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, जिसमें 13 और 20 नवम्बर को 2 फेज में ये चुनाव होना तय हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और निर्वाचन आयोग द्वारा जो खबरें सामने आई है उसमें यही कही गई है कि 13 और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। इन तमाम मुद्दों के साथ हम बात कर रहे थे कि इन 5 वर्षों में अब चुनाव फिर से होगा, कार्यकाल समाप्त हो रहा है सरकार का, लेकिन चुनावी घोषणा के बाद तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में हैं, लेकिन जो सियासी पार्टियां तैयारी कर रही है और जिस जनता के बदौलत वो सत्ता पर आसीन होते हैं उस जनता को क्या कुछ मिलता है, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर उन्हें क्या कुछ हासिल होता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एक तरह से बुनियाद कहा जाता है, जो बुजुर्ग हैं और उन्होंने कई तरह के चुनाव देखे हैं, बार बार विधानसभा लोकसभा और तमाम चुनाव के नजारे उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से ही जानते हैं कि एक बार फिर से बाबा विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा है, नेतागण फिर से हाथ जोड़कर आएंगे कि हमारे पक्ष में वोट करें, लेकिन जनता को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, बुनियादी सुविधाओं में अगर बात करेंगे पानी बिजली सड़क, इनकी क्या स्थिति है? सबसे पहले पानी की बात करेंगे तो आपके क्षेत्र में पानी की स्थिति क्या है? हमारे क्षेत्र में तो पानी की सुविधा है जी,
और बीच में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अभी सब ठीक चल रहा है। बिजली की स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति भी लगभग ठीक है। सड़क में अगर बात करेंगे तो? सड़क में जो विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, उतना विकास इनके समय में नहीं हो पाया। उनके समय में पर्याप्त सड़क भी बना है और हर तरह की सुविधा मिली। शिक्षा स्वास्थ्य से अगर बात करेंगे तो उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है? शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो पिछली सरकार दे गई है उतना पर रुका हुआ है। तो अब क्या होना चाहिए, झारखंड कैसे विकास की राह पर आगे बढ़े? अगर हमारी इच्छा से हो तब तो हम कहेंगे कि बीजेपी सरकार आएगी अगर तो देश सुरक्षित रहेगा। अगर बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और हेमंत सोरेन के द्वारा भी काम किया गया है, काफी परिवार को प्रभावित किया गया है, तो अब कौन जीतेगा यह तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी काम हुआ। अच्छा, जनता से जो कनेक्टिविटी हेमंत सरकार ने बनाई खास करके अपने योजनाओं के माध्यम से, इसमें एक महत्वाकांक्षी योजना यह भी रही मैया सम्मान योजना, इसके माध्यम से भी जनता को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है, तो उम्मीद जताया जा सकता है? हाँ, इससे उम्मीद जताया जा सकता है और हमको लगता है कि इससे 70% परिवार प्रभावित हुआ है। और पहले 1000 था, दिसंबर महीने से 2500 रुपया देने जा रही है सरकार, इसलिए इसे काफी प्रभावित है। चलिए, हेमंत सरकार से लोग प्रभावित तो हैं, मैया सम्मान योजना की बात तो हो रही है, लेकिन मैया का कितना सम्मान हो रहा है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, आप क्या मानते हैं? महिला तो देखिए, कहने से तो महिला सुरक्षित नहीं है उनके सरकार में, बहुत अन्याय भी हो रहा है, बेटी बहू अपने को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। क्या होगा तो वही कहना हमारा, और क्या कहेंगे हम। बुजुर्गों के लिए सरकार ने जो कुछ भी किया वो काफी है या फिर और कुछ सोचने की जरूरत है? खास करके विधवा पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन होता है, इन तमाम चीजों की स्थिति क्या है? तो बोलते हैं खूब, लेकिन कहां भी तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए, अब सरकार कौन जीतेगा क्या करेगा, जीतने के पहले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद फिर अपना रवैया दिखाने लगते हैं। सरकार की किसी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा है, अभी तो जो सरकार अभी दे रहे हैं मैया सम्मान का, वो तो हम देखे हैं कि मिल रहा है, सबके खाते में जा रहा है पैसा। युवाओं की बात करें तो युवा क्या चाहती है अब सरकार से? युवा यही चाहती है कि जो गवर्नमेंट फ्री फ्री कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी है और ये 1000 अभी सबको फ्री में दे रहे हैं, बाकी सब जो मेहनत करे वो लोग तो मिल नहीं रहा। अभी दिसंबर से 2500 रुपया करने वाला है, तो इससे जो अभी काम करते कहीं पेट्रोल पंप में ही, उन लोगों को 5000 रुपया सैलरी रहा, तो वो लोग मेहनत कर 5000 कमा रहे हैं और ये घर बैठे सबको 2500 रुपया दे रहे, ये तो नाइंसाफी हुआ। इनको एक वैकेंसी निकालना चाहिए सबके लिए, मतलब और जो बेरोजगार भत्ता बोले थे देने के लिए वो देना चाहिए, तो ये युवाओं के साथ करना चाहिए। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग से हम अगर बात करेंगे तो शिक्षा का स्तर रांची में और पूरे झारखंड में कैसे आंकते हैं, क्या कुछ आपका आकलन है? अगर हम इसमें बोले तो ये ठीक नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल जो रहता है वहाँ तक CBSE एफिलेटेड स्कूल वो सब ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है जैक बोर्ड ये वो सब में, तो उसका स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य की बात कर लें तो झारखंड में चिकित्सकीय व्यवस्था क्या है? स्वास्थ्य के हिसाब से तो देखा जाए तो सरकारी में ठीक ही ठाक है वैसे, और वैसे तो बाकी सब ठीक ही ठाक है, स्वास्थ्य में वैसा कुछ है नहीं। अब क्या लगता है कि अगर किसी तरह से नेतागण हमारे घर आते रहेंगे, हाथ जोड़कर बातें करते रहेंगे, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अगर नहीं मिले तब फिर लोग क्या करेंगे? तब जैसे वोट तो देना ही होगा हम लोग, अब क्या कर, जो बोलते हैं वो तो करते नहीं है, अब आएंगे तो हम लोग को सोच समझ के ही वोट देना पड़ेगा अपना जो विचार। सबसे पहले क्या चाहेंगे, आपके क्षेत्र में कौन सा काम होना चाहिए जो अब तक नहीं हो सका? हमारे क्षेत्र में तो सब कुछ हुआ है, पानी मिल गया, बिजली 200 मिनट फ्री करिए दिए हैं सरकार, और सड़क भी ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ गली मोहल्ला है वहाँ तो नहीं है सड़क ठीक। पूरा कचरा की साफ सफाई नगर निगम का क्या कुछ? नगर निगम तो आता है साफ तो करते हैं, लेकिन अंदर में जो है वो तो देखते नहीं है, जो रोड किनारे मेन रोड में है उस समय ले जाते हैं, फिर अंदर वाला जितना भी कचरा है उसमें ध्यान नहीं देते हैं।
मैंने बाहर बाहर से काम होता है, बाहर से काम होते रहता है, अंदर का जो है वही है। तो रांची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोगों का ये मानना है कि सरकार काम तो कर रही है लेकिन अब भी कुछ कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। रांची नगर निगम को भी लोगों का ये मानना है कि बाहर बाहर से निगम ने कई तरह के काम को किए हैं लेकिन अंदर अगर जाए तो अंदर की स्थिति अब तक उसी तरह से बरकरार है। नालियां बजबजाती है, कचरे का गंदगी का अंबार रहता है, इसको भी साफ सफाई करवाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं नेतागण फिर से इनके द्वार पहुंचेंगे, बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब समय आ रहा है तो नेता इनके घर पहुंचेंगे और इससे पहले नेतागण कहां रहे, इसका जवाब भी उन्हें देने की जरूरत है। फिलहाल सहयोगी प्रवीण के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।